की बोरी और एक्सेट्रा। और अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे ना तो ही आप जानेंगे इसके लिए क्या क्या चाहिए और कैसे बनाते हैं ये, और आप भी घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं, मम्मी से ये कर सकते हैं और ये मैं नहीं, मेरी मम्मा करने वाली है, तो चलते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक चावल की बोरी जो आप सब खत्म होने के बाद फेंक देते हैं, तो ये भी यूज में आ सकती है। हमें चाहिए एक पुरानी बेडशीट, हम ले रहे बेडशीट, आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, उसके पेंट के हिसाब से ये वाला लिया है। और सिंपली हमें चाहिए एक सीजर और एक चार्ट पेपर मेजरमेंट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसके हिसाब से हमने इसकी मेजरमेंट लिया और ये है टॉप के लिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इधर, और इधर एक सर्कुलर टाइप का था तो हमने इधर ये लगा लिया, ये सर्कल टाइप में काट के हमने ये इधर लगा लिया और हमने इस साइड के हिसाब से ये वाला लगाया है। तो हमने ये जो आपको ये दिख रहा है ये वाला, तो ये भी खाली रहेगा, तो इसको भी तो हमें कवर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने इधर लिया है ये वाला, इसका भी हमने इसी के मेजरमेंट के हिसाब से काटा है। तो और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इधर भी रह गया, अब हम इधर को भी इसको इसके हिसाब से हमने ये भी काट लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरा कर रहा है। तो अब हमने इसके हिसाब से भी मेजरमेंट के हिसाब से ये लिया है, तो इसको भी हम इसको ऐसे लगा देंगे। तो अब हमने इसके हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको दिखाया चार्ट पेपर से कि हमने इसके हिसाब से काट लिया, तो ये जो मैंने फर्स्ट में बोरी दिखाई थी हमें उसी मेजरमेंट के हिसाब से, जैसे मैंने ये वाला काटा था, ये वाला, ये वाला, ये वाला और साइड वाला, तो उसी मेजरमेंट के हिसाब से हमें ये भी काट लेना है और उसके ऊपर कपड़ा लगा देना है, मतलब स्टिच कर देना है, वो भी आराम से स्टिच हो जाएगा। तो करते हैं ये भी। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो अब हमने हम इसके हिसाब से काट देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम अभी काट ही रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इसके कोने को काट लेना है, तो सबसे पहले हमें इसके कोने को ऐसे काट लेना है, ये जो आप देख रहे हैं ये जो साइड का है। तो अब हम इसके साइड से ये जो लगा हुआ है हम उसको काटेंगे ताकि ये खुल जाए। तो ये कट गया है हमारा ये पूरा, तो अब हम इसको ऐसे फैला लेंगे। तो ये जो बीच में फालतू का पॉलिथीन है हम उसको भी काट के निकाल लेंगे। अब हमने इसको अच्छे से काट लिया है, ये कुछ अब ऐसा दिखेगा। तो अब हमें इसके हिसाब से जो हमने चार्ट पेपर की नाप ली थी हमें उसके हिसाब से ये सारा काट लेना है। तो सबसे पहले हम ये जो टॉप का था जो मैंने दिखाया था वो काट लेंगे इसके ऊपर, और ये ध्यान रखें कि इसको उल्टा रखें। तो अब जब हमने ये नाप लिया था तो उसके हिसाब से हम इसमें लाइन खींच देंगे ताकि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल ना लगे काटने में। तो हम इसको लाइन बना लेंगे और ये थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ के, बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ के बनाना है हमें लाइन। अब हम इसको बना लेंगे ऐसे, और फिर जैसे आप देख रहे हैं कि आप थोड़ा थोड़ा से लाइन दिखाई दे रहा होगा तो उसके हिसाब से हम इसको काट लेंगे। देखिए हमने इधर काट रहे हैं अभी, तो कट गया। तो ये देखिए अब हमने ये जो था चावल की बोरी वो हमने इसके हिसाब से, ये जो था हमने इसके हिसाब से बिल्कुल काट लिया है, जो टॉप का आपका जो चिमनी का मेजरमेंट है आप भी काट लीजिएगा। तो अब हम काटेंगे और एक, तो अब हमें जैसे हमने वो किया था वैसे ही हम ये वाला भी कर लेंगे और बाकी सारे जो पार्ट है हम उसको भी वैसे ही इस पूरे उससे कर लेंगे। तो करते हैं, हम सारे करते हैं, फिर मैं आपको मैजिक से दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने काट लिया टॉप, और दूसरा हमने काट लिया ये टॉप राइट, ये टॉप राइट, और फिर हमने काट लिया ये लेफ्ट, ये देख लीजिए आप पूरा, और फिर हमने वैसे ही काट लिया राइट, और फिर हमने ये काट लिया ये टॉप लेफ्ट, जो हमने टॉप राइट दिखाया था ये टॉप लेफ्ट है, और फिर ये जो टॉप था ये टॉप भी हमने काट लिया है, ये देखिए। तब हम इसको लगाएंगे, मतलब स्टिच करेंगे।
वेट। तो अब हम इस सारे के नाप से कपड़े भी काट लेंगे, मतलब कपड़ा भी काट लेंगे, जैसे हमने ये आटे के बोरी से काटा। तो काट लेते हम जल्दी से। तो जैसे अब हमने ये काटा तो इसके लिए हमें कपड़ा भी चाहिए, तो हमने इसे एक इंच छोड़ के हमने ये कपड़ा भी काटा है। तो ऐसे करके हम इसको हर जगह से स्टिच कर लेंगे और ऐसे ही हमें सारे करने हैं। तो ये जो है ये कभी कभार जब हम सिलाई करते हैं तो तब ये खुल जाता है, तो इसके लिए हमें इसको सुई से हम सिक्योर कर रहे हैं। ये देखिए ऐसे हमें इसको पूरा सिक्योर कर लेना है। तो ऐसे सिक्योर करने के बाद ये पूरा अभी खुलेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा हमें इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये खुले ना। तो सील लेंगे, अच्छा अब हम इसको सील लेंगे अच्छे से। तो जैसे कि हमने ये स्टिच कर लिया, और अगर किसी को इस सिलाई मशीन से भी नहीं आती है तो वो ले सकते हैं सुई धागा से कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ईजी होता है करने के लिए। तो ऐसे ही हम सारे कर लेंगे, और अगर आपको सिलाई नहीं आती तो आप सुई धागा से भी कर सकते हैं। तो अब हमने ये अच्छे से बिल्कुल स्टिच कर दिया है, ये आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये देखिए। तो हमने ये पूरा स्टिच कर दिया और सारे ही वैसे स्टिच हो चुके हैं। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए ये पूरा अच्छे से स्टिच हो गया है, और हमने ये एक एक इंच छोड़ के किया है। तो आप भी ये ध्यान रखिएगा कि आप भी एक एक इंच छोड़ के ही करें। तो अब हमारा ये हो गया और हमने इसको अच्छे से रख भी दिया है, और ये जो था ये दूसरा था। तो अब हमें हमको इधर सुई लगा के उसको अटैच करके हमें उसको सिलाई मार देनी है। तो हमें ये पूरा नहीं करना है, हमें ओनली इतना तक उसको स्टिच करना है। तो ये होने के बाद इसके बाद हमें सबसे पहले इसको पैच करके हमें इसको स्टिच कर लेना है, हम ये इसको पैच इसीलिए करेंगे ताकि ये निकले ना, और इसके बाद हमें स्टिच भी करना है। और जैसे आप ये देख रहे हैं ये साइड हमने खुला छोड़ा है, ये साइड हमें इसीलिए छोड़ा है खुला क्योंकि इधर अटैच कर देंगे। तो अब हमने इसको पूरा अच्छे से सील लिया, और देखिए ये कुछ ऐसा लगेगा टी शर्ट जैसा। तो ये है चिमनी का टी शर्ट। तो अब ये हमने ये सेट कर दिया, ये कुछ ऐसा दिखेगा और सीलेंगे। तो अब हमने ये इसको रख दिया है, और हमें थोड़ा सा डिजाइन करने के लिए हमने इधर कुछ थोड़े से छोटे छोटे बटन अटैच कर दिए दोनों साइड। तो अब हमें इसके लिए एक रस्सी चाहिए होगी जिससे कि ये वाला अटैच हो जाए। तो करते हैं। तो दोस्तों जिस फैब्रिक से हमने बनाया था तो उसी फैब्रिक से हम एक नाढ़ा बना लेंगे ऐसे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि अब हमें रस्सी बना लेंगे, तो अब हमने ऐसी चार रस्सियां बना ली है टोटल। तो हमें ये रस्सी लेनी है और इसको इधर लगा देना है, और फिर हमें स्टिच कर देना है। बिल्कुल ध्यान से स्टिच करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह हमने ये सील लिया है, ये देखे ये अच्छे से अटैच हो गया है। तो हमें ये नीचे साइड में रिपीट करना है, और हमने ये इसीलिए किया है क्योंकि अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो गिर भी जाएगा, तो इसीलिए उसको सिक्योर करना ज़रूरी है। तो हम इसको बांध देंगे, तो नीचे साइड भी हम जल्दी से कर लेते हैं। तो ये डिज़ाइन जो था वो पैचिंग के नीचे वाला था, तो अब हमने उसको कट करके अब हम इस जो चिमनी का कवर है उसमें हम स्टिच कर लेंगे डिज़ाइन के लिए।